विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न आयोजन किए। इस मौके पर एड्स से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। दुर्ग के शासकीय पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां यूथ रेडक्रॉस तथा रेड रियन क्लब की प्रभारी प्राध्यापक डॉक्टर रेशमा लाकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एड्स जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भिन्न गतिविधियां तथा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। इन प्रतिस्पर्धाओं में पोस्टर, निबंध, भाषण के साथ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतियां शामिल है। इसके साथ ही रील मेकिंग, वीडियो मेकिंग भी प्रमुख है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी ने कहा कि एड्स से संबंधित भ्रांतियां व भ्रमित जानकारी की रोकथाम अति आवश्यक है, जिसके लिए युवाओं में जागरूकता लाने के लिए इस तरह के आयोजन अपनी सार्थक भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत हमारे महाविद्यालय के यूथ रेड क्रॉस व रेड रिबन क्लब तथा ग्रीन आर्मी एक्वा क्लब के वॉलंटियर्स अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हैं और सक्रियता से कार्य करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर रेशमा लाकेश एवं कुमारी तबस्सुम अली द्वारा HIV एड्स पर लिखी पुस्तक हेल्प देज हील का विमोचन भी किया गया। इसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये राज्य एड्स कंट्रोल कमिटी है उसकी तरफ से और साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये दिशा निर्देश हमें मिलते हैं कि इस तरह के हमें आयोजन करने हैं। विशेषकर छात्राओं को, स्टूडेंट्स को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। लगभग एक पखवाड़े से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें निबंध, चर्चा, पोस्टर मेकिंग, जो ट्रेडिशनल होते हैं कॉम्पिटिशन्स वो तो है ही हैं, पर आज की जनरेशन को देखते हुए नए शुरू हुआ है कि मैराथन है, रील मेकिंग है, वीडियो मेकिंग है, जिसके तहत हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। कॉम्पिटिशन का रूप शायद इसलिए दिया जाता है कि ये क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये डिसीज़ जो है ये ज़्यादातर यंगस्टर्स पर ही देखा जा रहा है, तो उनको अवेयरनेस की कमी होने के कारण, उनमें जागरूकता की कमी होने के कारण ये कार्यक्रम शासन के द्वारा दिशा निर्देश मिलते हैं और हम करवाते हैं, हर साल करवा रहे हैं, और हमारे बच्चे बहुत इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और मैं देख रही हूँ कि जो एक झिझक थी पहले इस टॉपिक को लेके, वो काफ़ी कम हो गई है, ओनली बिकॉज कि बच्चों को समझ में आने लगा है कि जो भी भ्रांतियाँ हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को पहले हम एजुकेट करें, इसके बारे में जानकारी दें, और उसके बाद जब ये खुद इस चीज़ को जान जाएंगे तो समाज में जाके इस जानकारी को वो फैलाएंगे। विशेषकर जो लड़कियाँ होती हैं वो तो और माध्यम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती हैं। तो ये है, और इसी के साथ हमने आज एक बुक भी रिलीज़ की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को, बच्चों को कच्चा पक्का इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसके मारे वो उसको चीज़ और झिझक इतनी है कि दे डोंट वांट टू आस्क। तो गवर्नमेंट ने टोल फ्री लाइफ लाइन्स बनाई हुई हैं, जिसमें कि वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। साथ ही इस किताब में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस डिसीज़ के बारे जो भी सिम्टम्स हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी बताई गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि किसी को अगर कोई डिसीज्ड है, इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसके साथ किसी तरह का घृणा करने की बजाय इस डिसीज़ को रोकथाम करना है, यही हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। एड्स के लिए ये प्रमुख मिथक है कि जागरूकता ही, इसकी जानकारी ही इसके बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है, और छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति और हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उनके मार्गदर्शन में विभिन्न जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धाओं के साथ ही साथ रैली, नुक्कड़ नाटक और वीडियो मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, इस तरह से बहुत सारे आयोजन हैं जिसमें हमारी छात्राएँ जो हैं वो उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं, और वो अपने सामाजिक दायित्व को बहुत अच्छे से तरह समझती हैं, और जिसके कारण न केवल छात्राओं के बीच में बल्कि हमारे ग्रामीण अंचल में भी कैंप के माध्यम से हमारी छात्राएं वहां जाकर एड्स के नियंत्रण के लिए, इसके रोकथाम के लिए जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराती हैं, ताकि समाज में एड्स को लेकर जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं वो दूर हो सके। सर, जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और रैली के माध्यम से जो जागरूकता देते हैं लोगों को, उससे लोगों को मतलब जानकारी होती है कि ऐसा ऐसा भी होता है, तो
जो हम लोग बताते हैं कि इससे होता है एड्स, ये करने से नहीं होता, जैसे कि नीडिल से, इन्फेक्टेड नीडिल से और असुरक्षित यौन संबंध, ये सब कारणों से होता है। तो हम लोग जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताते हैं उससे लोगों को जानकारी होती है तो फायदा पहुंचता है। बहरहाल इस मौके पर कॉलेज की छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।